हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, काफी समय से कुछ बच्चों का एक सवाल आ रहा था, सर हम हिंदी मीडियम से हैं तो क्या नीट जी या सीयूईटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी हिंदी मीडियम से कर सकते हैं? क्या नीट का पेपर हिंदी मीडियम में भी आता है? क्या हिंदी मीडियम से तैयारी करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं? क्या आगे हमें कोई दिक्कत आ सकती है या कोई दिक्कत नहीं आएगी? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डिटेल में चीजों को समझेंगे। तो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नीट जी या सीयूईटी का पेपर हिंदी में दे सकते हैं। तो हाँ भाई, बिल्कुल दे सकते हो। इवन हिंदी में ही नहीं, आप किसी भी लैंग्वेज में, तमिल, तेलुगु या पंजाबी, आप जिस भी लैंग्वेज में पेपर देना चाहो आप उस लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। जब आप फॉर्म भरने जाओगे वहां आपसे पूछा जाएगा कि आप क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में रखना चाहते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, तमिल में या तेलुगु में। तो वहां पे आप जिस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो वहां पे आप फिल कर सकते हो। अब दूसरा सवाल कि क्या भाई हिंदी मीडियम से तैयारी करके सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। पेपर चाहे हिंदी में हो, तमिल में हो या तेलुगु में हो, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और सही करोगे तो सबके लिए आपको नंबर तो उतने ही मिलेंगे जितने इंग्लिश मीडियम वाले को मिलेंगे। तो नो डाउट सिलेक्शन तो हो सकता है। पर जब हम हिंदी मीडियम के बच्चों के सिलेक्शन का रेशियो देखते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के साथ, तो हिंदी मीडियम के बच्चों का सिलेक्शन काफी कम होता है एज कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है? तो चलो भाई, इन पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात भाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हो तो नो डाउट तैयारी तो करोगे कहीं ना कहीं से, चाहे ऑफलाइन मोड में चाहे ऑनलाइन मोड में। पहले अगर हम ऑफलाइन मोड की बात करें भाई, आपके आस पास जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, और बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े मतलब जो आपको अच्छी सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे कितने अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो हिंदी में इन एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं? बहुत ही कम है। और मान लो अगर आप स्कूल से या कोचिंग से कुछ पढ़ के आए हो और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता है तो आप क्या करते हो भाई, यूट्यूब पर जाते हो, टॉपिक सर्च करते हो, यहां से पढ़ के समझ लेते हो। और आजकल तो चीजें बदल गई हैं, कई बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते नहीं है, वो ऑनलाइन ही कोचिंग ले रहे हैं। ऐसे कई बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन ही आपको कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो अब सवाल आता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऐसे कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे कितने एजुकेटर्स हैं जो हिंदी मीडियम में कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं? बहुत ही कम। नो डाउट बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हिंदी मीडियम से तैयारी करवा रहे हैं। तो भाई, जब तैयारी ही अच्छी नहीं होगी, जब आपको तैयारी कराने वाले ही इंस्टीट्यूट्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो सिलेक्शन कहां से होगा? ठीक। अब भाई अगली बात, मान लो आपने तैयारी की और किसी तरीके से सिलेक्शन ले भी लिया, तो जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे, बीटेक करने जाओगे, एमबीबीएस करने जाओगे, तो वहां पर सारे लेक्चर्स, वहां पर सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होंगी। प्रोफेसर जो लेक्चर अटेंड करेंगे, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में इंग्लिश टू इंग्लिश ही लेक्चर्स अटेंड किए जाएंगे जो अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है। अब वहां पर सारी चीजें इंग्लिश में होने वाली हैं, तो यहां अगर किसी तरह सिलेक्शन ले भी लिया तो वहां पीछे हो जाओगे। तो अब भाई करना क्या चाहिए? तो बेहतर ये होगा कि आप अभी से चीजों को धीरे धीरे हिंदी से इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दो। अब ये कैसे होगा भाई? जो चीज आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, जैसे आप हिंदी मीडियम फिजिक्स में वेग पढ़ते हो, वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। चाल पढ़ते हो, चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। त्वरण पढ़ते हो, त्वरण को क्या? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप बायोलॉजी में कई चीजें पढ़ोगे, जो हिंदी में पढ़ रहे हो कुछ और, इंग्लिश में कुछ और है। तो अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम की कोचिंग लेने चले गए तो दिक्कत ये आएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि भाई आपने जो बेसिक पढ़ाई की है वो आपने हिंदी मीडियम से की है, और वहां इंग्लिश मीडियम वाला क्या पढ़ा रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो होगा ये, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाएगा। जो चीज आप एक साल में क्लियर कर सकते थे उसी चीजों को क्लियर करने में आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे, क्योंकि पहले तो आप चीजों को समझोगे, बेसिक चीजें आप इंग्लिश में समझ लो, तब जाकर कॉम्पिटिशन क्लियर करोगे, है ना भाई? तो बेहतर ये होगा आप धीरे धीरे चीजों को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करो, चीजों को हिंदी में जो पढ़ रहे हो उन्हें इंग्लिश में समझने की कोशिश करो। अब इस चीज में हम क्या कर सकते हैं आपके लिए भाई? यहां पर जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो चीज मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ साथ में ब्रैकेट में वो चीजें हिंदी में भी लिखी जाएंगी, जो चीज मैं यहाँ आपको इंग्लिश में समझाऊंगा साथ ही साथ वो हिंदी में भी समझाई जाएंगी।
इससे होगा ये कि आप साथ साथ हिंदी के साथ इंग्लिश भी समझ पाओगे और एक समय ऐसा आएगा जहां पे आप पूरी तरीके से चीजों को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर जाओगे और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे। इससे फायदा ये होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, MBBS करने जाओगे या इंजीनियरिंग करने जाओगे तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, भाई हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, तो ये इंग्लिश क्यों पढ़ना, हिंदी में क्या समस्या है? समस्या कोई नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हिंदी में पढ़ें, हिंदी में पढ़ाएं, पर दिक्कत ये है जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर चीजें इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती हैं। तो मजबूरन आप इसे अपनी मजबूरी समझ लीजिए कि आपको करना ही इंग्लिश में पड़ेगा। और इसका फायदा भी एक होता है कि जब आप देश से बाहर विदेश में किसी दूसरे कंट्री में जाकर काम करते हो तो वहां पर ये चीजें आपके बहुत काम आती हैं। तो नो डाउट अगर आप MBBS करना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आपको अपने आप को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो जो आप हिंदी में कोचिंग ढूंढ रहे हो, ये सब कर रहे हो, उससे बेहतर होगा कि आप अपनी तैयारी ही हिंदी से इंग्लिश की तरफ शुरू कर दो। पर डायरेक्ट इंग्लिश में करोगे तो दिक्कत आएगी, कुछ समझ नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे चला जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो बेहतर ये होगा आप ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढो जहां पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें मिले। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी पूरी टीम की ये कोशिश रहेगी कि आपको सारे लेक्चर्स टाइम से पहले प्रोवाइड कराए जाएं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। मीन्स यहाँ पर जो लेक्चर्स होंगे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी और साथ साथ इंग्लिश में भी आपको सब कुछ समझ आएगा। क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस कराई जाएगी वो इंग्लिश में ही कराई जाएगी, आपको एक्सप्लेन उसे हिंदी में कर दिया जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये आपके लिए बेहतर तरीका होगा जो आप ये सोच रहे हो कि हम हिंदी मीडियम का कोचिंग ढूंढे, कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढे। चलो मान लो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल भी गया तो शायद वो उतने अच्छे से तैयारी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने बच्चे नहीं हिंदी मीडियम के, उतना पैसा नहीं है, उतनी सुविधा वो आपको नहीं दे पाएंगे, अच्छी टेस्ट सीरीज, अच्छे टीचर्स, अच्छी चीजें। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत आती हैं। अब जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं, देखो मैं नाम ही लूंगा, जितने भी बड़े चैनल्स हैं जो ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं, सब इंग्लिश में हो रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश में तैयारी करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो फ्री में पढ़ा रहे हैं और आप वहां से पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। पर हिंदी में आपके पास एक लिमिट रहेगी, आपको एक लिमिटेड एरिया में रहकर काम करना पड़ेगा। और आपको ये तो पता ही है कि आप आज बेशक हिंदी में तैयारी कर लो, आगे चल के पढ़ना सब कुछ इंग्लिश में ही है और फिर वहां और दिक्कत आएगी। तो इससे बेहतर है वो दिक्कत आज ही सॉल्व कर लो, चीजों को हिंदी से इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करो, जिसमें हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बस आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे के लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।